नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों ये दो प्रश्न हैं जो आपको थंबनेल पर दिख रहे हैं। नए शिक्षा आयोग कब तक एक्टिव हो जाएगा, पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब तक होगी। आप लोग बहुत बार ये प्रश्न पूछ चुके हैं, अक्सर ये पूछते रहते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी और चर्चा करेंगे हम इन दोनों मुद्दों पर। तो सबसे पहले मुद्दा जो है वो नए शिक्षा आयोग कब तक एक्टिव हो जाएगा। तो देखिए, नए शिक्षा आयोग को एक्टिव होने में अभी टाइम है। एक्टिव होने का मतलब ये है कि कब ये वैकेंसी निकालेगा, कब ये परीक्षा की डेट निकालेगा, ये सारी चीज़ें तभी एक्टिव माना जाएगा ना। क्योंकि अभी तो धीरे धीरे चीज़ें शुरुआत हो जाएंगी और हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर भी एक प्रक्रिया होती है। हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर में पुराने लोग जो है नए लोगों को अपना जितना भी कार्यभार है वो सब देते हैं। तो हैंडिंग ओवर अभी देखिए कितने सारे आयोग हैं, चयन बोर्ड है और इसके साथ साथ है हायर का है और ये आपका प्राइमरी का पीएनपी है और टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी रिक्रूटमेंट इसी बोर्ड के माध्यम से होनी है। तो बहुत सारे बोर्डों का है और सभी से हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर चलेगा। और इसके बाद इसमें जो है पुरानी जो भर्तियां हैं वो सब है, सारे जितने भी केसेस किए गए वो सब केसेस भी गिफ्ट में नए शिक्षा आयोग को स्वतः ही मिल जाएंगे। तो उन सभी केसेस के बारे में भी नए शिक्षा सेवा आयोग को सोचना होगा और नया है इसलिए फूंक फूंक कर इसको कदम रखना पड़ेगा। इसलिए अभी इसमें जो भर्ती की उम्मीद करना बेमानी है कि कौन सी परीक्षा जो है इसमें कराई जाएगी। टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन हो चुका है, परीक्षा तो होनी है। इसके साथ साथ एक और परीक्षा का विज्ञापन लिया जा चुका है, वो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और टीजीटी दोनों परीक्षाएं होनी है और इसके लिए जो समय दिखाई दे रहा है वो आप ये मान के चलिए कि दिसंबर तक कहीं जाकर बोर्ड एक्टिव हो पाएगा, यानी कि दिसंबर में ये कुछ करवा सकता है काम। तो परीक्षा आपकी स्वतः जनवरी में चली जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा तत्परता दिखाता है बोर्ड और बोर्ड दिसंबर की जगह अक्टूबर में एक्टिव हो जाता है, अक्टूबर में बोर्ड एक्टिव हो जाएगा, तब आपकी परीक्षा दिसंबर के लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक में होगी। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा अभी इतनी जल्दी नहीं होने वाली है, 5 से 6 महीने का समय है टीजीटी की परीक्षा में। और तब तक छात्र क्या करें, बहुत ही बेसब्री के साथ इस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कुछ किया भी नहीं जा सकता है। परीक्षा तो अभी समय है 5-6 महीना मिनिमम, जब गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करेगी तब 5-6 महीना, अदरवाइज 7-8 महीना भी जा सकता है इस परीक्षा का। तो तब तक छात्र अभी क्या करें, क्योंकि देखिए जो बहुत सारी वैकेंसीज इसमें आई हुई हैं, ईएमआरएस की वैकेंसी है और इसके साथ साथ है आपकी बिहार वाली वैकेंसी चल ही रही है जिसका एग्ज़ाम डेट भी घोषित हो चुका है, और DSSSB में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है, कुछ विषयों की वैकेंसी आई है और अभी एक और बड़ा विज्ञापन DSSSB की तरफ से आएगा जिसमें कुछ अन्य पद होंगे। तो आप इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। इसके साथ साथ है कुछ अन्य छोटी मोटी शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं, जैसे कभी इसरो ले लेता है, कभी एटॉमिक एनर्जी ले लेता है, कभी कोई ले लेता है, तो उन सब पे को भी देखते रहिए और उसमें भी अप्लाई कीजिए, उनकी परीक्षा की तैयारी भी कीजिए। फिलहाल यूपी टीजीटी पीजीटी की जो वाट जो रहे हैं स्टूडेंट, अभी पूरा ध्यान अपना जो है NVS और DSSSB पे लगाएं, क्योंकि यहाँ सभी कुछ होने वाला नहीं है। मिनिमम 5-6 महीने और मैक्सिमम 7-8-9 महीने तक यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, इसलिए आप लोग इसकी उम्मीद मत रखिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ और इसी तरह किसी और गंभीर मुद्दे पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।